close till I get up. Time is barely. बैक टू माई चैनल और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप बिगनर हैं, जैसे कि आपको पता है कि मेरी सारी वीडियो मोस्ट ऑफ बिगनर के लिए ही होती है, जस्ट बिकॉज मैं भी बिगनर हूँ तो मैं भी सीख ही रही हूँ। तो अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। और ये मेकअप लुक मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट से क्रिएट किया है। अगर आप चाहो तो ये मेकअप लुक आप डे टाइम में भी अचीव कर सकते हो और अगर आपको नाइट टाइम में भी अचीव करना है तो आप कर सकते हो। बहुत ही सिंपल एंड सोबर मेकअप लुक है और आई होप ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेंगी। सो कीप वॉचिंग। सो सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे पतंजलि का एलोवेरा जेल। आप चाहे तो प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ और ये सिर्फ 100 रुपीज़ का आता है और इसकी छोटी वाली बॉटल भी आती है। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। और या मैं अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर रही हूँ और मैंने लिटिल बिट थोड़ा ज़्यादा लिया है जस्ट बिकॉज़ पता नहीं मैं क्या चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि मेरा जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ मेरे फेस पे चले, तो मैंने बहुत सारा लिया था और मैंने उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड किया और आप देख सकते हैं कि मैंने उसको ब्लेंड कर लिया है। और फिर उसके बाद में थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो लिटिल बिट मैंने अपने फेस को थोड़ा सा डैप किया और उसको थोड़ा सूखने दिया, तो आप देख सकते हैं इस टाइप का हुआ। उसके बाद में मैं किस ब्यूटी का फाउंडेशन ले रही हूँ जो जिसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी किया है मेरे चैनल पे और मैं हर बार बता रही हूँ जस्ट बिकॉज मैं अभी न्यू यूट्यूबर हूँ तो सबको पता चलना चाहिए ना। सो ठीक है, तो उसके बाद में मैं अप्लाई कर रही हूँ किस ब्यूटी का फाउंडेशन और अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके पूरे फेस पे लगा रही हूँ। आप कोई भी फाउंडेशन ले सकते हो और ये सच बताऊँ इसका जो टोन है मुझे हमेशा ऐसे ही लगता है कि ये मेरे टोन से लाइट है, बट जब भी मैं इसको अप्लाई करती हूँ उसके बाद जो इसका कलर होता है वो मेरे टोन से एकदम मैच कर जाता है मेरे स्किन टोन से। और जितने जैसे जैसे ये फेस पे होता है, जैसे जैसे थोड़ी देर के बाद में इसका जो कलर है वो आपकी स्किन टोन से मैच होने लग जाता है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। और उसको मैंने हाथों की हेल्प से ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद में मैं अप्लाई कर रही हूँ ADS की पैन स्टिक। तो आप देख सकते हैं मैं इसको अपने मेरे फेस पे थोड़ा सा पिंपल हो गया था तो मैं वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अप्लाई कर रही थी, थोड़ा डार्क एक्ने वगैरह था और डार्क सर्कल भी है तो वहाँ पे और आँखों के ऊपर अच्छी तरीके से उसको मैं लगा रही हूँ। आप कोई भी कंसीलर ले सकते हो, लिक्विड कंसीलर कोई भी कंसीलर ले सकते हो। तो या मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा अप्लाई कर रही हूँ और लिटिल बिट मेरे जो लिप्स के आसपास है वहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं ब्रश की हेल्प से पूरे कंसीलर को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर ले रही हूँ। आप चाहे तो हाथों की हेल्प से भी कर सकते हो, मैंने थोड़ा थोड़ा हाथों की भी मदद लिया था क्योंकि ब्रश से अच्छी तरीके से ब्लेंड नहीं हो रहा था मुझसे क्योंकि थोड़ा सा स्टिकी फॉर्म में है वो कंसीलर। इसका भी ऑलरेडी मैंने रिव्यू किया है मेरे चैनल पे और अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी आया था मुझे, तो वो भी आप वॉच कर लेना। और यस, मैंने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया और अगर अभी आप देखोगे तो वो जो फाउंडेशन था वो कितनी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गया है। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ बनाना लग्जूरियस पाउडर जो कि मेरा फेवरेट हो चुका है अभी। ये येलो अंडरटोन में आता है और मुझे आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। उसको भी मैं अपने ब्रश की हेल्प से मैक के ब्रशेस में यूज़ कर रही हूँ, पूरे अपने फेस पे लगा ले रही हूँ और ये बहुत अच्छी मैट फिनिशिंग देगा आपके फेस को, आपके मेकअप को। तो मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप ट्राई करना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो, ज़्यादा महंगा नहीं है ये, 75 या 65 समथिंग कितने तो भी रुपए का मैंने लिया था। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से अपने पूरे फेस पे लगा लिया है। गाइज, अगर मेरे चैनल को अब तक ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी कर लो, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं स्मोकी इन हॉट का आई शेडो पैलेट में से मैं ले रही हूँ ब्राउनिश कलर एज अ ट्रांजिशन कलर, जो मैं हमेशा मोस्ट ऑफ यही कलर लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा भी लगता है। और मैं आज बहुत सिंपल सा आई मेकअप करने वाली हूँ, बहुत सिंपल और सटीक, ज़्यादा बोल्ड नहीं करने वाली हूँ। तो मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ क्रीज़ के ऊपर में। तो क्रीज़ तो देखिए कहाँ होती है, जहाँ पे आप अपनी आँखें से
बंद कर खोलते हैं वहाँ पे एक लाइन सी क्रिएट होती है, उसके ऊपर का साइड जो होता है वो क्रीज होता है। तो उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ये न्यू हाइलाइटर है एक्चुअली जो मैंने आज ही परचेज़ किया है, तो मैं उसको एज अ आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। तो ये हाइलाइटर है और मैं इसको एज अ आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसका जो पिगमेंटेशन है ऑसम पिगमेंटेशन है। और मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगी आपको, जो मैंने नोटिस किया, मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है तो मैंने इसको अपने दोनों आईज़ पे लिड पे अप्लाई कर लिया है, आई लिड पे, और उसके बाद मैं इसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही थी। तो ब्लेंड करते वक्त मुझे ऐसा लगा कि इसको ब्लेंड करते वक्त ना ये मेरे जो मैंने पीछे में आई शेडो लगाया था थोड़ा कहीं ना कहीं वो ऊपर आ रहा था, और जो इसका जो पिगमेंटेशन है वो कम होते जा रहा था। तो मुझे लगा कि इसको इस टाइप से नहीं करना चाहिए, तो मैंने उसके ऊपर में और अच्छे तरीके से और डबल से इसको अप्लाई करा, और डैप डैप करते हुए मैं उसको अप्लाई कर रही थी अपने आईलिड पे। तो एक बार जब ये सब ब्लेंड हो गया था तो ठीक से हो नहीं पा रहा था, फिर भी मैं पूरी कोशिश की कि वो ठीक से हो जाए। इस वाली आग का बहुत अच्छा हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी पिगमेंटेशन उभर उभर के दिख रही है। तो जब तक मुझे अपना कलर नहीं मिल गया डिज़ायर कलर, तब तक मैंने इसको अप्लाई किया, और आप देख सकते हैं फाइनली मुझे ये इतना ठीक लगा कि हाँ ये अब आ गया है मेरा कलर जो मैं चाह रही थी। तो उसके बाद में मैंने अप्लाई किया है ब्राउन, डार्क ब्राउन लिया था मैंने, यस ये वाला, क्योंकि मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा आउटर वी में मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन प्लेस करूँ, तो मैंने इस टाइप से प्लेस किया था डार्क ब्राउन कलर। तो मैं उसको अपने आउटर वी पे ही अप्लाई कर रही थी, और मैंने अपने दोनों आँखों पे इसको अप्लाई कर लिया था। तो आप देख सकते हैं इस टाइप का कुछ दिख रहा था, आप चाहे तो कोई भी कलर ले सकते हो। वो आई शेडो अप्लाई करने के बाद में मेरा जो पिगमेंटेड जो क्या बोल सकते हैं हाइलाइटर, वो थोड़ा सा लाइट हो गया था, और उसको मिक्स मैच थोड़ा सा सेम दिखाने के लिए मैंने उसके ऊपर में थोड़ा सा और अप्लाई किया था। और उसके बाद में मैं ले रही हूँ ब्लैक कलर का आई शेडो, और उससे अपनी मैं आईब्रोज फिलअप कर रही हूँ, और ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है तो मैं थोड़ा सा इसको स्किप कर देती हूँ। उसके बाद में मैं अप्लाई कर रही हूँ, पता नहीं यार, यस यस यस, ये शायद से हुडा ब्यूटी फेक वाला आईलाइनर था, और ये भी मैंने न्यू ही लिया है। तो आप, मैंने इसमें बिल्कुल भी कोई भी चीज़ एडिट नहीं की, कुछ भी स्किप नहीं करी किया है मैंने, और मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रही हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक किया था। तो आप भी देख लो कि मैंने क्या मिस्टेक किया था, और एक छोटे से मिस्टेक से हमारा लाइनर किस टाइप से बिगड़ सकता है। तो मैं इसी थोड़ा थोड़ा करके मैंने एक सिंपल सा लाइनर पहले ड्रॉ किया अपनी लाइन पे, और उसके बाद में पहले सिंपल सा लाइनर ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद में मैंने अपनी जहाँ पे आईब्रोज ख़त्म होती है वहाँ उस वे में लेते हुए, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, इस स्टेप से उसको ज्वाइन कर लिया। तो ये पहली आँख का तो बरोबर से लग गया था, तो आप देख सकते हो। और ये जो लाइनर है थम्स अप है यार, इतना बेस्ट है, इतना ब्लैक और इतना अच्छा है। मैं सीरियसली, मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया, बस थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम इसलिए जा रहा था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी, और उसमें जो हैंडी जो आदत हो जाती है ना हमें पकड़ने की, ब्लू हेवन का बहुत छोटा सा उसका जो पकड़ने के लिए था तो बहुत अच्छा था। और ये थोड़ा फर्स्ट टाइम था तो मुझे अभी हाथ बैठने का है इस पर, तो मैं थोड़ा ट्राई कर रही थी, थोड़ा मुझे प्रॉब्लम जा रहा था तो किया मैंने। और इसमें जो मैंने सेकंड वाले आईज़ में जो मिस्टेक की वो मैं आपको बताती हूँ, हो सकता है आप नहीं समझ पाओ। मैंने सिंपल लाइनर तो ड्रॉ कर लिया था, बट जब एंड की बात आई तो मैं वो बताना चाहती हूँ आप लोगों की मैंने क्या गलती की, तो आप भी ये गलती ना करें। और जैसे आईब्रो के ऊपर में मैंने बताया था, आईब्रो जहाँ एंड होती है वहाँ तक तो मैंने कर लिया था, बट मैंने उस वाले साइड में मैंने थोड़ा सा इसे नीचे करके ये किया था, आप पीछे जाके भी देख लेना वीडियो। और यहाँ पे मैंने सीधा जॉइन कर लिया सेंटर में। तो सीधा जॉइन करने की वजह से जो आप अभी मिस्टेक देखोगे, मोस्ट ऑफ सब मिस्टेक बताते नहीं है, तो ये सीधा हो गया था और वो कर्व में हो गया था, तो फिर मुझे इसको भी स्टेप से सीधा करना पड़ा,
क्योंकि ये कर्व हो गया था और ये सीधा हो गया था, तो अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो यस, फाइनली मेरा लाइनर भी लग गया। उसके बाद में ये पता नहीं यार कौन सा वाला मस्कारा है, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं मेबलिन का मस्कारा लेने गई थी और मैंने ये वाला ले लिया, और ये ऑसम वाला मस्कारा है। मैंने अपने आज तक की वीडियो में कभी मस्कारा अप्लाई नहीं किया, तो अगर, और हाँ सबसे पहली बात, मैंने कभी फॉल्स आईलैशेस भी अप्लाई नहीं किया आज तक की, कभी ट्राई नहीं किया। और मैंने इसको अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई किया है, तो आप देख सकते कितनी अच्छी लग रही है, और बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने कभी फॉल्स आईलैशेस कभी लगाए नहीं है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं वो लगा के आपके साथ में वीडियो शेयर करूँ, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। तो इसके लिए तो थम्स अप था। उसके बाद मैं कॉन्टोरिंग के लिए बोल सकते हैं, यस, क्योंकि मैं जब भी जूम करती हूँ तो मेरा फेस फेस बहुत गोल गोल सा दिखता है। मतलब कैमरे में जूम करती हूँ तो नॉर्मली मेरे फेस कट है, दिखते हैं मेरे फेस के कट, बट जब मैं जूम करती हूँ तो नहीं दिखता है। तो मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ अपने हिसाब से, आप कैसे भी कर सकते हो, मैं इसी टाइप से कर रही हूँ। कॉन्टोरिंग के बाद मैं सेम आई शेडो पैलेट में से पिंक कलर पिक कर रही हूँ और उसको अपने चिक्स पे लगा रही हूँ, चिक्स चिक बोन्स पे लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा पिंकिश कलर लग रहा है, और ऐसी गुलाबी 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 आंखें बोलते हैं, तो मेरी गुलाबी गाल दिख रहे हैं। और या मैं आज थोड़ा इन्जॉय कर रही हूँ मेरी वॉइस ओवर को, क्योंकि थोड़ी बोरिंग से होने से बेटर है। हाँ, तो अब आती है बारी हाइलाइटर की। तो ये हाइलाइटर जो मैंने बताया मैंने परचेज़ किया था, तो मैंने वाइट न लेते हुए मैंने इस बार गोल्डन ट्राई किया, तो मैं सोच रही थी कि चलो देखते हैं कैसा लगता है। तो जैसे कि मैंने पहली बार इसको अप्लाई किया था किया है, तो उसकी वजह से जैसे मैंने आँखों के ऊपर भी मिस्टेक किया, तो मैं इसको जो स्टेप से इसको रगड़ रही थी, मुझे लगता है इसको रगड़ना नहीं था, इसको डैप करना था। तो मैं इसको ट्राई करती रही, पर मुझे इसका वो जो हाइलाइटिंग जो मुझे चाहिए था वो मेरे फेस पे नहीं मिल रहा था, जो कि अब मुझे समझ गया है। तो शायद मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में ट्राई करूँगी, तो पता नहीं अब देखते, पर मुझे वो नहीं मिला। तो फिर मैंने क्या किया, मेरा जो मैं नॉर्मल करती हूँ आई शेडो पैलेट में से वाइट कलर मैंने पिक किया और उसको ही मैंने अप्लाई कर लिया। और गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर करा कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, दिखने में इजी लगता है, लोग बोल देते हैं ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, बट स्टिल मैंने जो पहले ही बता दिया है कि मैं तो बिगनर हूँ, मैं भी ट्राई कर रही हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हो। तो यस, मैंने उसको ब्रिज ऑफ द नोज़ और जहाँ जहाँ मुझे लगा हाईलाइटिंग करना चाहिए, आप यहाँ का देखना, आईब्रोज़ के नीचे में जो मैंने हाईलाइटिंग किया है दूसरे आईब्रोज़ में नहीं किया है, तो कितना फ़र्क आता है, आप थोड़ा पॉज करके ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है हाईलाइटिंग करने से। उसके बाद में मैं फेक वाली हुडा ब्यूटी यूज़ कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज मैं इतना रियल वाला नहीं ले सकती यार, तो फेक वाली हुडा ब्यूटी है, नहीं तो कोई बोलेगा ये तो फेक है, ये है वो है, मैंने पहले ही बता दिया। और मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा शो ऑफ कर रही थी, लाइक मैं कुछ पोज दे रही थी। तो मैंने लास्ट टाइम भी मैं भूल गई थी और इस बार भी मैं अपने होठों को मॉइस्चराइज करना भूल गई, तो उसको मैंने कैसे अप्लाई कर लिया जो बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई हो रही थी मेरे लिप्स पे। सो या, मेरा मेकअप कंप्लीट है और दिस इज़ माय फाइनल फिनिश लुक। और मैंने कोई मेकअप सेटिंग स्प्रे अप्लाई नहीं किया है, और ये मेकअप सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप पार्टी या फिर कहीं सिंपल कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, कहीं पे भी अचीव कर सकते हो मेकअप। सो वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।